जोहार, आप देख रहे हैं दृष्टि नाव और मैं भी दत्त पिंटू। बात जनहित की हो या राजनीतिक बात हो या शासन प्रशासन की, सबसे ज़्यादा मुखर रहने वाले, राज्य के सबसे बुद्धिजीवी कहे जाने वाले विधायक सरयू राय जी हमारे साथ बातचीत की। विधानसभा की 22वीं वर्षगांठ है और हर साल की तरह, हर वर्षगांठ की तरह इस साल भी उत्कृष्ट विधायक के सम्मान से सम्मानित किया गया है इस बार माले के विधायक विनोद सिंह जी को। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप चूंकि जब झारखंड बना तब से लगातार विधायक हैं, उसके पहले भी विधायक रहे हैं, तो जैसे 22 साल हो गए झारखंड को, तो जो संसदीय इतिहास अभी तक का रहा है, जिस तरह से अंदर में जो संचालन होता है विधानसभा का, तो उसमें आप किस तरह का मतलब माहौल देखते हैं? पहले से अब तक में क्या सुधार हुआ या फिर क्या और होना चाहिए? देखिए, विधानसभा में सर्वोच्च शक्ति विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, उनमें रहते हैं। स्पीकर उनको कहा गया इसलिए कि जिसका नाम स्पीकर है वो कम बोलेगा, मगर राज्य विधानसभा में सबसे अधिक स्पीकर को ही बोलना पड़ता है। आप साहब बैठ जाइए, आप वेल में मत आइए, आप ऐसे सवाल मत उठाइए, आप ये मत करिए। तो स्पीकर की भूमिका को इस हिसाब से देखें तो भूमिका ही बदल गई है। स्पीकर को लगता है कि परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ना हो इसके लिए सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों को ही मिल बैठ के ये सोचना चाहिए कि जो जिस तरह से हमारा विधानसभा चलने का रूटीन बना हुआ है उस रूटीन को हम फॉलो करें। अगर कोई ऐसा विषय हम उठाना चाहते हैं जो महत्वपूर्ण है, तो उसके लिए जो प्रावधान है कार्य स्थगन का, सूचना का, उसमें अलग से हमारे एक घंटे का समय नियत करा के उस पर बहस कर लें। मगर हमारा प्रश्नकाल चले, शून्यकाल चले और जो ध्यानाकर्षण का समय वो चले, तो इसमें जनता के सवाल आते हैं। और शुरू में ही जब विधानसभा में अव्यवस्था हो जाती है तो हम लोग जो सवाल करते हैं उसका उत्तर देने के प्रति सरकार बड़ी गंभीर नहीं रहती है। आपने कुछ भी पूछा, उनके जो मन में आया जवाब दे दिया, वो सोचते हैं कि विधानसभा में तो बहस होती नहीं है साहब, हम पकड़े नहीं जाएंगे। तो इसके लिए भी विधानसभा की समिति बनी हुई है। जो विधानसभा में सवालों का उत्तर नहीं आ पाया, जो सही नहीं आ पाया, उस पर अनागत प्रश्न समिति वो विचार करती है। मगर समितियां भी तभी सक्षम तरीके से काम करेंगी जब विधानसभा सही तरीके से काम करेगी और सरकार विधानसभा के प्रति अपने आप को उत्तरदायी मानेगी। नहीं तो जैसे विधानसभा में सही उत्तर नहीं देते हैं, वैसे समिति के सामने भी सही उत्तर नहीं देंगे। तो ऐसी परिस्थिति में विधायिका के पास जो विशेषाधिकार है उसका उपयोग करना चाहिए और हमारे जो सभा अध्यक्ष हैं उनको प्रश्न करने वालों को संरक्षण देना चाहिए, अपने समितियों को संरक्षण देना चाहिए, तब सही मामले में विधानसभा काम कर सकती है और उससे जनता का हित सध सकता है। सर, जब झारखंड विधानसभा का जिक्र आता है तो एक बात सबके जहन में आती है कि यहाँ पर कई बार दल बदल के आरोप में कई विधायकों पर शिकायत दर्ज हुई है, लेकिन किसी पर भी निर्णय नहीं आ पाता। वर्तमान में भी कुछ विधायक, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, इन कुछ विधायक हैं जिन पर दल बदल का आरोप चल रहा है मगर उस पर कोई निर्णय नहीं आ पाता। 3 साल हो गए हैं मगर अभी भी कुछ विधायकों पर निर्णय, तो क्यों ऐसा होता है कि उस पर कोई निर्णय नहीं आ पाता है? क्या राजनीति इसके पीछे वजह होती है? 70 के दशक तक तो कोई दल बदल करेगा तो क्या कार्रवाई होगी इसके बारे में कोई सोचता ही नहीं था। हरियाणा में 67-68 में आया राम गया राम हुआ कि विधायक आज इस दल में आ गए, फिर कल पुराने दल में चले गए, तब ये बहस हुई और 80 के दशक में दल बदल कानून बना, फिर उसमें परिवर्तन किया गया, ये सारी चीज़ें हुई। मगर जब नियम कानून बनता है तो उसका उल्लंघन करने वाले भी सोच लेता है, चलिए साहब बहुत सारे जगह हैं, यहाँ से हो जाएगा, विधानसभा से नहीं होगा तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कई जगह जाएंगे। तो जब कानून के उल्लंघन की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका चलना बड़ी मुश्किल हो जाता है। और आज हमारा दृष्टिकोण वस्तुनिष्ठ नहीं है, व्यक्तिनिष्ठ हो गया है या दलनिष्ठ हो गया है, हम ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव हो गए हैं। ऐसी स्थिति में स्पीकर भी अपने दल के हिसाब से इसका लाभ उठाते हैं, दूसरे लोग भी इसका लाभ उठाते हैं, धीरे धीरे परंपरा बनती जा रही है। तो या तो दल बदल अधिनियम में स्पीकर के पद के महत्व को देखते हुए कानून बनाया गया कि ये सुनवाई करेंगे, अब ऐसे उदाहरण आ रहे हैं, कठिनाई हो रही है, तो सीधे न्यायालय को दे देना चाहिए, दल बदल होगा साहब, न्यायालय फैसला करेगा और एक खास अवधि बना दी जाए जिसमें फैसला कर दे, अंत में तो यही जाएगा। मगर तब होता है ना कि हमारी जो स्वतंत्रता है
उस पर आँच आएगी। और हम मानते हैं कि स्वतंत्रता का भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आदर होना चाहिए, तो हर चीज़ को हम नियम से कितना कसेंगे और कितना ढीला छोड़ेंगे, इसके बीच में हमारा आचरण और हमारी अपनी सोच, सीमा मर्यादा के प्रति हमारा अपना ख्याल, ये महत्वपूर्ण होता है। और आज हम सभी इसका पालन करने के प्रति बिल्कुल ही सचेत नहीं हैं, इसलिए ही ये समस्या आ रही है।